हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो विभिन्न ग्रुप्स हैं जिसमें सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग के शेड्यूल, ठीक है, वो आखिरकार किस हद तक क्या है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपका थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, फेक भी हो सकता है, ठीक है, और क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सारी डिटेलिंग हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और अगर सही हुआ तो क्या कैसे होगा, क्या होगा, वो पूरी डिटेलिंग मैं विथ फैक्ट्स आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। और वंस अगेन सॉरी, बहुत लोगों के जो बच्चे हैं उनका Q&A में क्वेश्चंस आया हुआ था, मैं जवाब नहीं दे पाया था बिकॉज़ मेरी हेल्थ जो है कुछ लंबे समय से ही ख़राब थी। इस वजह से अब आपको आपके जो जवाब हैं वो Q&A सेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। जिन भी बच्चों का सवाल था उसको मैं अगेन Q&A सेशन ला रहा हूँ, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये शेड्यूल आज मॉर्निंग में जारी हुआ है, उसके बाद इससे लेकर के विभिन्न ग्रुप में तेज़ी से फैल रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये शेड्यूल जो देख सकते हो, ठीक है, 3 तारीख ऐसे करके यहाँ पे शो अप हुए हैं, और क्या क्या यहाँ पे बोला गया है उसको मैं पहले बता दूंगा और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है, कि ये जो है ऑफिशियल साइट के अगर ऊपर होगा तो कब होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में अगर अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, डायरेक्टिव फॉर ए काउंसलिंग एंड एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, ठीक है। तो PG के लिए ही यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। अब ये जो शेड्यूल है वो चीज़, अब यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये शेड्यूल अचानक से नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा अपन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हो 10 सितंबर से, ठीक है, और जो है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी बोल रहे हैं, ठीक है, और 29 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। लास्ट जो डेट है ज्वाइनिंग का, जो आपको सीट अलॉट होता है, ठीक है, तो 25 सितंबर तक रहेगा। फिर यहाँ पर ये जो डेट्स है ना, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों जो है ये शेड्यूल का अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्यों नहीं बोल सकते कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसके पीछे आपको पूरा रीज़न पता चल जाएगा, ठीक है। 10 सितंबर फिर 19 सितंबर फिर, ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, इसके बाद में अपन देख सकते हैं, ठीक है, सेकेंड राउंड की 1 अक्टूबर बताया गया है और 9 अक्टूबर बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड राउंड जो है 18 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और स्टे वैकेंसी राउंड 6 नवंबर को बोला गया है, ठीक है। तो ये थोड़े चीज़ें एकदम जनरल में अपन देख रहे हैं, क्योंकि अपने को बस ये देखना है इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बात करना है कि ये कितना ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि रीज़न वही उठ रहे हैं, हर बच्चों का मैसेज यही आ रहा है कि ये वाकई में ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद में मैं प्रूफ पूरा दिखाऊंगा, ठीक है, क्यों ये जो है ऑथेंटिक नहीं हो सकता और क्यों हो भी सकता है, ठीक है, तो वो आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो ये डेट्स आपको पता चल गए, पहला फर्स्ट राउंड 10 सितंबर, सेकंड राउंड 1 अक्टूबर, ठीक है, उसके बाद में थर्ड राउंड 18 अक्टूबर, ठीक है, ये यहाँ पे आपका दिया गया था। उसके बाद में सीधा नीचे में आ जाओ आप, ओके। तो नीचे में अपन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो आपका सेकंड जो शेड्यूल है इसी में दिया गया था, ठीक है, वो भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें भी सेम ही डेट है फर्स्ट राउंड की जो है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस वो 10 सितंबर से है, ठीक है, ये मैं ऐसा करके मूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में ही आ जाएगा जिनके पास होगा उनको, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड के लिए 10 सितंबर, सेकंड राउंड के लिए 1 अक्टूबर और थर्ड राउंड के लिए 18 अक्टूबर, ठीक है। और बहुत सारे इसको क्यों जो है सही बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, तो ये तो पहला चीज़ हो गया, यहाँ पर ये जो डेट है। अब कुछ समय पहले, जस्ट ये जो शेड्यूल आने के कुछ समय पहले एक फ़ोटोज़ वायरल हुआ था, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ये फ़ोटो को देखो, ठीक है, जिसमें ये बोला गया था कि मीटिंग हुआ है करके, ठीक है। अगर आप इसको क्लियरली देखोगे, ठीक है, जिनके पास ये पिक्चर्स होगा तो उन लोग देखो, ये जो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन या डबल ए ट्रिपल सी का जो फर्स्ट राउंड की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग वगैरह है, वो कब से आपका बताया गया है, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड के यहाँ पे 3 सितंबर दिया गया था, ठीक है। आप जिनके पास पिक्चर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फट गया है ये पिक्चर, लेकिन जिनके पास ये पिक्चर होगा उन लोग चेक कर सकते हो, 3 सितंबर करके वहाँ पर उन्होंने शो अप किया है, ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। उसके अंदर 6 सितंबर को चॉइस फिलिंग करके दिखाया गया है, जबकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे हमने कब देखा था, तो 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है करके, ठीक है। तो कई लोग यही बोल रहे थे कि हाँ कुछ दिन पहले जो फुटेज जारी हुआ था, ठीक है, ऐसे करके लीक फुटेज है, उसके अकॉर्डिंग 3 सितंबर से ही काउंसलिंग की जो डिटेल्स है वो आउट हो जाएगी या काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे करके कई लोग का कहना था,
ठीक है, उसके बाद में ये नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जो ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है वो बिल्कुल अलग है, और ये जो फुटेजेस हैं, ठीक है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, जिनके पास पिक्चर्स हैं वो लोग चेक कर सकते हो, ये 3 सितंबर क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पास भी, ठीक है, 3 सितंबर to 10 सितंबर ऐसा करके यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और वहाँ पे आपका अपन लोगों ने देखा कि 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस थोड़ा कम लग रहा है कि ये शेड्यूल हो। दूसरा चीज़, यहाँ पे आप वही की मीटिंग वगैरह के फुटेजेस थे। दूसरा चीज़, आज मैंने पूरा वेट किया, 9 बजे करीब आ गया था, ठीक है, सॉरी 11 बजे करीब ये जो है सर्कुलेट होना शुरू हो गया था, और आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 7:30 बजे करीब बना रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो 6:40 में मैंने AAACC की ऑफिशियल जो साइट है, आप भी चेक कर सकते हो, ऑफिशियल साइट के ऊपर विजिट करके मैंने देखा, ठीक है, न्यूज़ इवेंट में देख लिया, करेंट इवेंट्स में देख लिया, यहाँ पे PG काउंसलिंग का कमिंग जून ही दिखा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। अगर अपलोड हो जाता, ठीक है, तो अपन इसको बोल सकते थे कि ओरिजिनल शेड्यूल है करके, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो मैं नहीं बोल सकता ये ओरिजिनल शेड्यूल होगा करके, ठीक है। दूसरी चीज़, चलो ठीक है, यहाँ पास तो अगर नहीं हुआ होगा, और कहाँ पे आप जा करके चेक कर सकते थे, ठीक है, NCISM की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा होम्योपैथी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी ये नोटिफिकेशन नहीं मिला मेरे को, इसको मैंने जस्ट 1 मिनट बाद में गया, ठीक है, NCH के वेबसाइट में, यहाँ पे आप देख सकते हो UG काउंसलिंग के लिए यहाँ पे उन्होंने शेड्यूल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये जो है UG काउंसलिंग के लिए जो है शेड्यूल है, लेकिन PG काउंसलिंग के लिए अभी तक यहाँ पे इसके ऑफिशियल साइड में तो मेरे को कुछ नहीं मिला, इसी वजह से मैं इसको शेड्यूल अभी नहीं मान सकता, ठीक है। अगर आपको दिखना होगा तो इन्हीं साइट्स के ऊपर दिखेगा, चलो ठीक है, ये तो NCH का हो गया। NCISM के भी ऑफिशियल साइट के ऊपर मैंने विजिट किया, ठीक है, देख सकते हो 6:43 के ऊपर मैंने NCISM के ऑफिशियल साइट के ऊपर विजिट किया, यहाँ पे भी मैंने बहुत चेक किया, पर यहाँ पे भी मेरे को यहाँ पे न्यूज़ जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे भी मेरे को LOP का लिस्ट मिल गया, बाकी चीज़ें मेरे को मिल गई, लेकिन नोटिफिकेशन यहाँ पर भी मेरे को नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आपको देखो तीनों में से एक साइड के ऊपर भी मिल जाता मेरे को ये नोटिफिकेशन, ठीक है, तो मैं इसको मान सकता था कि चलो भाई ये जो शेड्यूल आपका जारी किया गया या विभिन्न ग्रुप में जो जा रहे हैं, ठीक है, वो ओरिजिनल होकर के। जब तक मैं आप लोगों को हर बच्चे को ये बोलूँगा, जब तक कि AAACC की वेबसाइट में, NCISM की वेबसाइट में या NCH के ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मैंने तीनों ऑफिशियल वेबसाइट चेक किया और तीनों के ऑफिशियल वेबसाइट में मुझे ये शेड्यूल कहीं पे भी नहीं मिला। मे बी पॉसिबल हो, क्या पता कल अपलोड हो जाए, ठीक है, लेकिन अभी तक तो अपलोड नहीं हुए हैं मेरे यहाँ पे वीडियो बनाते तक आज, ठीक है, तो मैं अभी तक इसको फेक ही मानूंगा, ठीक है। जब ऑफिशियल साइट के ऊपर आ जाएगा तभी मैं उसको ओरिजिनल मानूंगा, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ऐसा आपके पास आता है, ठीक है, और वो ऑफिशियल साइट के ऊपर आप जा करके वेरीफाई करते हो, जैसे मैंने बोला AAACC की वेबसाइट के ऊपर देखा, यहाँ पे भी मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, ठीक है, NCH का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखा, होम्योपैथी का, क्योंकि एक ही होता है, ठीक है, सभी का काउंसलिंग, तो यहाँ पे भी मुझे नहीं मिला। UG का मेरे को मिल गया यहाँ पे, ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत टाइम से आया हुआ है, लेकिन PG का नहीं मिला। NTET का भी मिल गया, NCISM का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखा, वहाँ पे भी मुझे नहीं मिला, और ऊपर से मैं पूरा इवनिंग तक वेट किया हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और अभी तक तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर कुछ अगर अपलोड होना होगा तो कल तक आप एक बार और चेक कर लेना, ठीक है, लेकिन जब तक आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना मिल जाए तब तक आप कोई भी चीज़ को ऑथेंटिक नहीं मान सकते, ठीक है। और इसी वजह से मैंने यहाँ पे थंबनेल में भी फेक शेड्यूल करके मेंशन किया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर इन ऑफिशियल साइट के ऊपर अगर आ जाए तभी हम उस शेड्यूल को फाइनल मानेंगे, ठीक है, और उसके बारे में प्रोसेस के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी तक ऑफिशियल साइट में यहाँ तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक आया नहीं है, तो मेरे लिए तो अभी फिर हाल के लिए जब तक ऑफिशियल साइट में नहीं आ जाता उसको आप भी फेक ही मानो, ठीक है। जब ऑफिशियल साइट के ऊपर आ जाएगा तभी हम उसको ओरिजिनल मानेंगे, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऐसे ही विश्वास नहीं करना है आपको, ओके, फालतू का, ओके। जब ऑफिशियल साइट के ऊपर, मैंने आपको ऑफिशियल साइट्स दिखा दी, ये ऑफिशियल साइट के ऊपर आप विजिट करोगे, जब आप देखोगे, जैसे कि आपके UG का दिया है तो PG का भी यहाँ पे मेंशन करेगा ही करेगा, ठीक है, होम्योपैथिक का, NCISM का भी UG का दिया है तो PG का मेंशन करेगा ही करेगा, AAACC जो साइट है जो आपका काउंसलिंग कंडक्ट कराती है वो भी मेंशन करेगी ही करेगी, लेकिन यहाँ पे अभी तक कमिंग जोन का ही नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो मैंने अभी चेक किए हैं, ओके, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ओके, तो यही है। और बाकी अगर कुछ अगर अपडेट आया, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन आया ऑफिशियल साइट के ऊपर तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, कि वो नोटिफिकेशन क्या है, लेकिन अभी जब तक नहीं आया तब तक हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट को फेक ही मान सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए ऑफिशियल नहीं है,
ओके, जब वो ऑफिशियल साइट के ऊपर आएगा तभी हम उसको ऑफिशियल मानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी अपने क्वेश्चंस क्यूरीज बिल्कुल मेरे को मैसेज करके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भेज सकते हो। आपको नेक्स्ट Q&A में मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके आंसर मिले और आपको अब Q&A में आपके आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो फिर थैंक यू।